सन 1991 तक सोवियत यूनियन टुकड़ों में बिखर गया, और उस समय जिन देशों पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, अफगानिस्तान उन देशों में से एक था। दरअसल अफगानिस्तान में 1989 से ही सिविल वॉर चल रही थी, जो इस्लामिक मुजाहिदीनों और वहाँ की सरकार के बीच थी। मुजाहिदीनों को हथियार और पैसे की मदद अमेरिका से मिल रही थी, जबकि अफगानी सरकार को मदद सोवियत संघ से मिल रही थी। पर 1991 में सोवियत संघ टूट गया, जिसकी वजह से अफगानी सरकार को मदद मिलना बंद हो गया। इसका नतीजा यह रहा कि 1992 तक मुजाहिदीनों ने यह जंग जीत ली और सत्ता पर काबिज हो गए। अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठी इस नई ताकत का चेहरा बने बुरहानुद्दीन रब्बानी। पर अफगानिस्तान में कट्टरता के इस ग्रहण की अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही वर्ष बीते थे रब्बानी को गद्दी संभाले हुए कि एक नई ताकत ने सर उठाना शुरू कर दिया था, जिसका नाम था तालिबान। पश्तून भाषा में तालिबान का अर्थ है छात्र यानी स्टूडेंट, और इस तालिबान की नींव रखने वाला शख्स था मुल्ला मोहम्मद ओमार। सन 1990 में जब अफगानी सिविल वॉर शुरू हुई, उस समय उत्तरी पाकिस्तान में इसकी स्थापना की गई। उस वक्त मुल्ला ओमार के साथ उसके 50 छात्र इसका हिस्सा थे। 1992 के बाद वो अफगानी रेफ्यूजी जिन्होंने पाकिस्तानी मदरसों से तालीम ली थी यानी पढ़ाई की थी, वह तालिबान का हिस्सा बनने लगे, और ये लोग मुजाहिदों से भी ज़्यादा कट्टर थे। वक्त बीतने के साथ तालिबान कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा था और अपना एक मुख्य मकसद निर्धारित कर चुका था, जो था सत्ता में अपने पैर जमा कर शरिया कानून को लागू करना। धीरे धीरे तालिबान लोगों में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था, और सितंबर सन 1995 तक उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने ईरान से सटे अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया था, और ठीक एक साल बाद उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर दावा ठोक दिया। उन्होंने बुरहानुद्दीन रब्बानी को हटाकर काबुल को कैप्चर कर लिया। 1998 तक तालिबान ने 90% अफगानिस्तान पर राज कायम कर लिया। शुरुआती दौर में तो अफगानियों ने तालिबान का स्वागत किया, क्योंकि उन्हें देश में अब स्थिरता नजर आ रही थी। अफगानी सोवियत से जंग और सिविल वॉर के बाद देश में शांति चाहते थे, जिसकी उम्मीद वह तालिबान से लगा रहे थे। पर असली खेल अब शुरू होने वाला था। तालिबान ने शरिया कानून के हिसाब से व्यवस्था चलाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा टेलीविज़न, सिनेमा, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, टूरिज्म और अन्य एंटरटेनमेंट पर बैन लगा दिया गया। आदमियों को शेव करना मना था और औरतों को बुर्का पहनना अनिवार्य है। 10 साल से ऊपर की लड़कियों का पढ़ाई करना बैन था। साल बीतते जा रहे थे और कट्टरपंथियों का मानवीय बर्ताव भी बढ़ता जा रहा था। पर फिर वह दिन आया जिसे दुनिया 9/11 के नाम से जानती है। अमेरिका के ट्विन टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक के बाद एक दो हवाई जहाज टकरा दिए जाते हैं। दुनिया ने पहली बार इतना बड़ा आतंकी हमला देखा था, जिसे करवाने वाला अलकायदा और उसका कमांडर ओसामा बिन लादेन था। अलकायदा सीधे सीधे तालिबान की छत्रछाया में था, और ओसामा बिन लादेन
तालिबान की शरण में था। गौर करने वाली बात यह थी कि इन आतंकियों को इतना ताकतवर बनाने में एक समय में यूएसए का भी हाथ था। सोवियत अफगान वॉर के समय जिहाद की चिंगारी को हवा देने का काम यूएसए ने ही किया था। 9/11 के हमले के बाद 7 अक्टूबर 2011 को अमेरिका सैन्य कार्रवाई शुरू कर देता है। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में घुसकर तालिबान का सफाया करना शुरू कर देती है। दिसंबर के महीने तक तालिबान और अलकायदा के मेंबर या तो मार दिए जाते हैं या वह जान बचाने के लिए दूसरे देशों में छिप जाते हैं। पाकिस्तान लगातार इस बात से इनकार करता रहा कि तालिबान या अलकायदा के बनने और फलने फूलने में उसका कोई हाथ है, पर तालिबान और अलकायदा दोनों ही आतंकी संगठनों की स्थापना पाकिस्तान में हुई थी। अब जबकि तालिबान अफगानिस्तान से भाग चुका होता है, तब दिसंबर में ही अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं हामिद कारजाई, जो कि अब सही मायने में वहां शांति बहाल करते हैं। पर अमेरिका भगोड़े ओसामा की ढूंढ जारी रखता है। 11 साल बाद आखिरकार यूएसए ओसामा को ढूंढ लेता है, और ताजुब की बात यह थी कि वह पाकिस्तान के एबटाबाद में मिलता है। नेवी सील्स और सीआईए के जॉइंट ऑपरेशन ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर में वह ओसामा को मार गिराते हैं। 2 साल बाद यानी 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर की मृत्यु हो जाती है, और वह भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल में ही दम तोड़ता है। बाद में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में तालिबान के मेंबर्स एक्टिव रहते हैं। तालिबान का नया नया लीडर बना अख्तर मंसूर भी अमेरिका के ड्रोन हमले में पाकिस्तान में ही मारा जाता है। आगे चलकर यूएसए तालिबान से पीस डील करने के लिए राजी हो जाता है, ताकि वह अपनी सेना को अफगानिस्तान से निकाल सके। यह तय हो जाता है कि 2021 में ही अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से पूरी तरह बाहर हो जाएगी, और आज की तारीख में इस डील के बाद अफगानिस्तान में जो प्रभाव पड़ा वो हम सब जानते ही हैं।